अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इंटरव्यू आया था मुझे कमर की तरफ से, ठीक है, और कमर इनका इकबाल साहब का आके इंटरव्यू करके गया। वो लोकेशन जो इन्होंने बताई वो इंतहाई ख़तरनाक थी। जैसे ही हम उस लोकेशन पर पहुँचे और सबसे पहले जो हमें धचका लगा वो पोस्टर देख के लगा, जो कि वहाँ पर लिखा होता इंतहाई ख़तरनाक बिल्डिंग। हम जैसे ही उधर पहुँचे, ठीक, वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने उनसे इजाज़त ली चीज़ों से, हमने उनसे इशारा मांगा तो हमें प्रॉपर वाजिया एक निशानी मिली, जिसके बाद हमने अंदर जाना शुरू किया। और जैसे मुसलसल हम एक जगह से आगे जा ही जा रहे थे, वहाँ पे एक जगह पे हमारे पे अटैक हुए लेफ्ट से राइट से। तो उसके दौरान हमने फिर ये किया कि मैंने इनको कहा, कमर को और साथ में दूसरे भाई को, कि यार इस जगह को छोड़ के घूम के आते हैं। जैसे ही हम घूम के गए हैं वहाँ पे क्या हुआ है, इकबाल साहब साढ़े नाल बड़ा उत्थे वाकया है जी। मैं इन्हों कहता रहा जी कि उत्थे पता की है, मेरे नाल कमर हैगा जी, जी मेरे नाल कमर सी, ते कमर कमर मेरे इत्थे खलोता जिते तुसी हो ना जी, जी। थोड़ा पीछे करके जी, ते मैं कैमरा इस तरह घुमाना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो कैमरा मैं इस तरह घुमाना ना जो, तो यहो जहा बंदा सामने खलोता है जी, ठीक है। यह मैं रिकॉर्ड किया, मैं इन्होंने दसन लिया मजाक ही कर रहे, यानी कि यह उस चीज़ को सीरीयस नहीं लै रहे हैं, यानी कि अगे जाए जा रहे हैं। असी एक नुक्कर ते आए, नुक्कर ते आए तो मेरे कंधे को ना कुछ चीज़ बकायदा आवाज आई जी, तो उस टाइम पर तो मैं डोल गया जी, क्योंकि अगर ताडे नाल ही हो, ठीक है जी, तो वह फिर चीज़ एक दफ़ा होंगी है, दो दफ़ा हो जाए फिर वो बहुत बड़ा जी, तीसरी दफ़ा तुम उन्होंने कह रहे हो आओ भाई मैं अपने मुँह छुपा, दूर से आए हैं आपके पास आए हैं, ठीक है। आने के बाद अब एक बंदा आपके साथ जाता है जो आपने भेजा, एक बात हो आपका बहुत शुक्रिया आपने भेजा, उस बंदे ने हमारे लिए अच्छा सोचा वहाँ पे, ये तो हमें आगे जाकर पता चले, मैंने वो पोस्टर देखा, ठीक है। तो बाकी हमने एक बुजुर्ग हैं हमारे चिश्तिया में, ठीक है, तो हम उनसे इंशाल्लाह रब्ता करके ना, ये 14 अगस्त है, ठीक है, कल इतवार है, ठीक है, 14 अगस्त गुजरती है, हम वो चिश्तियों से बुजुर्ग भेजते हैं, ठीक है, तो वो जो आके दायरा कर करके उसकी एक मखसूस जगह दे देंगे, जैसे कि आपने बताया निशानियाँ, ठीक है। मैंने वहाँ पे दरख्त देखे जो कि टूटे भी हुए जी, ठीक है, और मैंने बकायदा भी रिकॉर्ड भी किया। आप जब आप गौर करेंगे व्यूवर्स, वहाँ पर जब ये भाई ने कहा था ना कि हमें जगह दे, वहाँ पर साइड पर एक दरख्त है जो टूटा हुआ है जी, वो दरख्त बकायदा मैंने यूँ करके दिखाया, साइड पर करके ना कैमरा दिखाया कि वो दरख्त टूटा हुआ है जी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो जगह वाकई हॉन्टेड है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि ये चैनल पे बेसिकली होता क्या है, कैसे है, कैसे नहीं, किस किस चीज़ के पीछे, कुछ ऐसी होती है जो इंसान के अपनी बनाई हुई होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि काला जादू बेशक है इस दुनिया में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि अब हर बंदा कहे मेरे पे काला जादू हो गया, मेरे पे ये हो गया, मेरे पे वो हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है ज़रूरी नहीं हर जगह पे हो। और आज के शो के साथ हमें इजाज़त दें।